Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain हिंदी चैप्टर 11. आज हम लोग जो है सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 11 जो है वो आज रीड करेंगे. उसका नाम है एक नई शुरुआत. मतलब एक नई शुरुआत कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे. ये कहानी लिखा है जाकिर अली रजनीश ने. इनका जन्म सन 1975 में हुआ था. जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनके वैज्ञानिक विषय लेखन में सर्वविशेष रुचि है. उनके 4 वैज्ञानिक अभ्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी, स्वग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं. इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान के कथाएँ आदि मुख्य है. गिनीपिग समय के 4 इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं. उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान इनको मिले हैं. भारतेंदु हरिचंद्र पुरस्कार, सर्वजना पुरस्कार सहित उनके सम्मान प्राप्त हुए हैं. तो ये जो लेखक है जाकिर अली रजनीश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने सिर्फ पुस्तकों में भी नहीं विज्ञान में भी इनको जो है सम्मान प्राप्त हुआ है. एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधित विषय कृति है. एक नई शुरुआत जो है एक वैज्ञानिक विषय कृति है. इस कृति में मानव देह को तरंग में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तम संबंधी कराने वाले प्रयोगों का हेतर अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से पुस्तक में किया गया है. यहाँ 2 वैज्ञानिकों के अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है. तो आज हम लोग जो कृति पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक के बारे में ही है. तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोफेसर रमेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के अद्भुत क्षण थे. प्रोफेसर जो रमेश थे और उनके सहायक माधवन जो थे उनके जीवन के एक अद्भुत क्षण यानी पल थे. उनके जीवन में आज वो होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव था. उनके जीवन में आज वो घटने वाला था जो सिर्फ अद्भुत ही नहीं असंभव भी था. मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रेक्षण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था. जो मानवता इतिहास है उसमें आज जो मानव प्रशिक्षण यंत्र है उसका परीक्षण और सम्मान जो है आज होने उनको जा रहा था. 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वो मानव प्रशिक्षण यंत्र को खंडों में विभक्त था. जो मनुष्य का प्रशिक्षण करे ऐसा यंत्र जो था वो 2 खंडों में विभक्त था. यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरे भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधव के घर में स्थापित किया गया था. पहला जो प्रयोगशाला में था पहला भाग और दूसरा भाग उनके जो सहायक थे माधव 500 मीटर उसके जो दूर घर थे उनमें स्थापित किया गया था. प्रोफेसर रमेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन को और देखा. उन्होंने हैं प्रोफेसर जो रमेश थे कंप्यूटर को अंतिम कमांड दिया और उन्होंने जो है उन्होंने उस पर कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर देखा. उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था. उनका जो चेहरा था एक विशेष प्रकार की आभा से मतलब आभा यानी प्रकाश से चमक रहा था. कुछ ही पलों में कंप्यूटर प्रयोग रेडी का सिग्नल दिया. कुछ पलों में जो कंप्यूटर जो प्रयास था उसमें सिग्नल दिया रेडी का प्रोफेसर ने. प्रो रमेश ने अपने सहयोगी माधव को फ़ोन पर अलर्ट किया और उसने जो है अपने जो सहयोगी है माधव उसको फ़ोन पर अलर्ट किया. धड़कते दिलों के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए. कंप्यूटर जो है धड़कते दिलों के साथ चालू हो गया. अगले ही क्षण में मानव प्रशिक्षण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया. जो अगले क्षण है मतलब जो तुरंत उसके बाद ही जो उसके जटिल प्रक्रिया है वो शुरू हो गए. दूसरे छोर बैठा हुआ माधव दम साते कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था. दूर में बैठा जो माधव था वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें लगा के गड़ाने का मतलब है एकदम आंखें टिका के बैठे रहना.
प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होने के प्रारंभ हो गया। प्रोफेसर का जो शरीर था वो मूल तत्व में विभक्त होने का आरंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, बस कुछ ही पल की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण में एक एक साल के बराबर लग रहा था। लेकिन ये जो पल था, हम जब कोई भी उत्साह होते, उद्वेग होते, तब कुछ अच्छा काम होता है, तो वो जानने के लिए जो एक एक पल होता है वो एक साल के बराबर लगते हैं कि वो अभी हो जाए, अभी हो जाए, हम उसके इंतज़ार करते हैं। तो माधव को भी ऐसा ही हो रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वो घटना कांत गई जो वो प्रोफेसर रमेश से पहली बार मिला था। और इस दौरान ही, इस बीच में उसके दिमाग में वो घटना आ गई जब वो पहली बार प्रोफेसर रमेश से मिले थे। अब जो है, पहली बार उनकी लैब में पहुंचा, उस समय भी अपने कंप्यूटर पे, जब वो पहली बार उनसे मिलने गए तो वो उनके कंप्यूटर लैब में झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रमेश ने शर्त उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। माधव के एक नज़र प्रोफेसर कंप्यूटर को, माधव ने जो है कंप्यूटर की तरफ एक नज़र डाला, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो पूछ लिया, सर आनंद सर, मैं बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। उसने किसी प्रोफेसर दूसरे का नाम लेके कहा कि उसने बताया था कि वो जो है वो एक विशेष प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रमेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे यकीन करने लगा चाहता कि माधवन ने अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती अथवा नहीं थी। रमेश ने उनके तरफ देखा और सोचने लगा कि मैं जो प्रोजेक्ट करा उसके बारे में इसको बताना चाहिए या नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संयुक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा। हालांकि माधव जो थे वो उनके साथ मिलकर उसको आनंद ही मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी आंख की तरफ देखा और उसको समझने की कोशिश की। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र के बारे में कहा और उन्होंने कहा के जो है, प्रोफेसर उनकी बात तब सुन के एकदम उसके आँख जो है खुले की खुला रह गया। आखिर जब उसने रहना आ गया तो पूछा, बेटा सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि ये क्या वास्तव में संभव है? कहते हैं प्रोफेसर रमेश एक क्षण के लिए रुके, बोलते हुए जो है उन्होंने एक क्षण के लिए रुका, पर माधवन की ओर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई और उन्होंने वहीं रुक गई। उन्होंने अपनी बातें आगे बढ़ाई, जो उन्होंने अपनी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा कि तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु के एक विशेष प्रकार के अणु मिला, जो प्रत्येक वस्तु है हम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं कि सब अणु को मिला के संगठन होती है और परमाणु से मिलाकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण। और उसका आकार कैसे मिलते हैं, सब परमाणु एक होकर जब परमाणु का आकार मिलता है तब जो है वो मौजूद इलेक्ट्रॉन का धारण होते हैं। तो ये जो था बहुत असामान्य था, जो माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। अब जो है, यदि हमें किसी वस्तु की रचना संरचना को समझना है तो हम क्या करेंगे? यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणु परमाणु को अभ्यास करेंगे। प्रोफेसर के बातों से सिलसिला आगे बढ़ाया और ये ठीक ऐसा ही है जिसके मशीन के अंदर के कल्पुजों की बनावट और उनके कार्य की विधि है। वो जो है वो उनको समझने लगे और उनके वस्तुओं को परमाणु को अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने सिलसिला आगे बढ़ाया, ये ठीक वैसा ही जैसे किसी मशीन के अंदर कलयुग के बनावट और उनके कार्य बनने की विधि है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रमेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। ये तो रही बनावट की बात, ये जो बनावट की बात है, अब आती है किसी वस्तु को तरंगे माध्यम से कैसे भेजने की बात। अब जो कोई वस्तु है उसको हम लोग तरंग से, साउंड से
हम लोग कैसे भेजेंगे? तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में इसको जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा यूरोपियम तत्व को तो कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर की काम किया जाते हैं। इसमें हमें ये आसानी समझ ही जाती है कि इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम के लिए आते। इसमें हम यह अपनी ये से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसे तत्वों को दोबारा भी बनाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो है प्रोफेसर, हाँ ये तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ ये तो सच बोल रहे, तो हो सकता है। प्रोफेसर रमेश ने अपनी आगे हाथ बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार तत्वों से मिलाकर बनता, ऐसा कहा जाता है कि पंच तत्वों से अपना शरीर बनता है। तो प्रोफेसर ने रमेश ने उसको ये कहा, हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी के संरचना काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु इसके मूल तत्वों में विभक्त होते हैं वैसे ही जोड़ के इसे पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ ये प्रक्रिया बनाई जा सकती है। लेकिन ये दूसरी प्रक्रिया पहली बार मुकाबले में काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी, कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। उसने माधव को समझाया, अगर ये हम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही श्रम साध्य होगी, हमारे काम जो है वो रंग लाएंगे। तो बेटा आज जो ये चैप्टर है का पार्ट वन मैंने एक्सप्लेन किया, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दूसरे लेक्चर में दिए जाएंगे। तो इस पार्ट का सारांश आपको लिख के मुझे बताना है, जितना तक मैंने पढ़ाया उतना तक ये पार्ट को इसमें क्या है उसका सारांश यानी समरी आपको लिख के मुझे होमवर्क में बताना है। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योर सेल्फ।